श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 T20 मैच है, 3 वनडे, उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान लंबी चर्चा लंबी मीटिंग के दौर के बाद कर दिया गया है। लेकिन जब से टीम का ऐलान हुआ, एक खिलाड़ी की चर्चा हर ओर हो रही है। इनको टीम इंडिया से फिर से एक बार नजरअंदाज कर दिया गया है। नाम ऋतुराज गायकवाड़ है, शानदार प्रदर्शन किया जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में। उससे पहले उनका T20 रिकॉर्ड भी कहता है कि वो टीम इंडिया में अपनी जगह डिजर्व करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके शुभमन गिल को टीम में रखा गया है। ना सिर्फ टीम में रखा गया है, बल्कि शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए वाइस कैप्टन भी अपॉइंट हो गए हैं। सिर्फ T20 नहीं, वनडे सीरीज के लिए भी शुभमन गिल अब टीम इंडिया के उपकप्तान है। यानी भारतीय क्रिकेट उन पर इन्वेस्ट कर रहा है, ये बात हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर देने से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि CSK कोटा के चलते ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया गया है। तो ये बहुत सारे लोग बड़े बड़े मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप योग्य हो और आपको जगह ना मिले, आपको स्थान ना मिले, तो बड़ा बुरा लगता है। इससे पहले जिम्बाब्वे में जो सीरीज हुई थी, वहां पर गायकवाड़ ने 4 मैचेस खेले थे। उसमें 3 इनिंग में उनके बल्ले से 133 रन निकले थे, एवरेज 66 का था। मैच विनिंग पारी भी गायकवाड़ के बल्ले से निकली थी। लेकिन इतनी शानदार पारी के बाद अगली सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाता है। जबकि शुभमन गिल की बात अगर करें तो उनके आंकड़े ऋतुराज गायकवाड़ से अच्छे नहीं है। उसके बावजूद शुभमन गिल पर पूरी तरीके से ट्रस्ट किया जा रहा है। गायकवाड़ की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 23 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान गायकवाड़ ने 20 पारियों में 39 की औसत से 633 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 143 का है। वहीं शुभमन गिल भारत के लिए 19 T20 मैच खेल चुके हैं, जबकि गिल ने इस दौरान 29 की औसत से 505 रन ही बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140 से कम का है। इन दोनों खिलाड़ियों को टीम इंडिया के लिए एक-एक शतक लगा चुके हैं। ऐसे में आंकड़े तो यही बताते हैं कि गायकवाड़ को गिल से पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे दौरे पर भी 4 मैचों की 3 पारी में 66 की औसत से 133 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी काफी शानदार 158 का था। न सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ बल्कि अभिषेक शर्मा, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था जिम्बाब्वे खिलाफ सीरीज में, शतक भी लगाया था, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। काफी उम्मीद जगी थी जब उन्होंने शतक लगाया था। कहा गया कि एक ऐसा हमें विस्फोटक ओपनर मिल गया है भारत के लिए, लेकिन उसके बाद अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। सिलेक्टर्स का मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, अभिषेक शर्मा नहीं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये भारत के अगले ओपनर होने वाले हैं। 2026 वर्ल्ड कप के लिहाज से इन दोनों को ट्रेन किया जा रहा है। इन दोनों को देखा जा रहा है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है, वहां भारत के लिए ओपनिंग करते हुए। अब देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तरफ जायसवाल होंगे, एक तरफ गिल होंगे, दो युवा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ही इन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो गायकवाड़ भी दरवाजे पर खड़े हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं। इनमें से किसी एक को वापस से भारत का ओपनर बनाया जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।